बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के मामले में बिहार सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने अब तक 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया है। इस पूरे मामले में सभी संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया गया है। मामले की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। राज्य में एक के बाद एक पुल ढहने की घटना के बाद फजीहत झेल रहे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को निलंबित करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि जांच के लिए पटना से टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी और पुल बनाने वाले ठेकेदार को भी तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया गया है। इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास नहीं बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्रालय ने कराया था, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया। मंगलवार की दोपहर अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी के पडरिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, पर एक धस गया। इसके बाद पुल ध्वस्त हो गया। बता दें कि अररिया में जो पुल धसा है उसका निर्माण पूरा हो गया था। अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण पुल का आवागमन शुरू नहीं हुआ था। बरसाती नदी बकरा में मंगलवार को पानी आया और पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर पड़ा और पुल गिरने का वीडियो वायरल है। इसके बाद सरकार की भारी फजीहत हो रही है। बकरा नदी पर बने इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहले और दूसरे चरण का काम बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम ने किया था और पुल निर्माण निगम ने 8 पाया का निर्माण किया था। तीसरे चरण का काम ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने जिम्मे ले लिया था। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित है, लेकिन जिन पायों का निर्माण ग्रामीण कार्य विकास ने कराया था वे ढह गए।